What's up, my YouTube family? What's going on? Hope you guys have good. अभी तक हमने पठान का एक्शन देखा, जवान की देशभक्ति देखी. जी हाँ, अब हम देखने वाले हैं एनिमल का शिकार. जी हाँ, एनिमल का बहुत जबरदस्त शिकार होने वाला है. अगर आप सब इस शिकारी मूवी से अपडेट रहना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि इसके बारे में जितनी भी अपडेट मिले एंड जो भी अपडेट बॉलीवुड में आती है तो उस अपडेट से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी नई नई अपडेट्स लेके आता रहता हूँ. तो जी हाँ, फाइनली एनिमल जो मूवी आने वाली है रणवीर कपूर की, उसका हमने बहुत इंतज़ार किया है, वेट किया है. फाइनली वो पोस्टपोन्ड भी हो चुकी है इससे पहले उसकी डेट, बट फाइनली अब उसकी जो फाइनल डेट है वो अनाउंस कर दी गई है. एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है फाइनली एंड आप सबको उसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है मैं आप सबको बताने वाला हूँ. बॉलीवुड की कुछ और अपडेट्स हैं जो इस वीडियो छोटी सी वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे ताकि मैं आप सबको जितनी भी अपडेट्स हैं आपको बताऊँ और आप सबको पता लग सके. जी हाँ, फाइनली डेट अनाउंस कर दी गई है. 28 सितंबर को टीज़र आपको मिल जाएगा एंड रिलीज डेट जो है वो 1 दिसंबर है इस मूवी की एंड सिनेमाघरों में वो रिलीज़ हो जाएगी वर्ल्ड वाइड और हम एनिमल का शिकार देखने वाले हैं फाइनली. एंड मैं आप सबको थोड़ा सा और अपडेट बता देता हूँ इस मूवी से रिलेटेड. इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वंगा ने, इनकी पहले भी मूवी एक आ चुकी है और आप सबको पता है कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी कबीर सिंह, इन्हीं की डायरेक्ट की हुई मूवी है और फाइनली इन्होंने रणवीर कपूर की एनिमल भी डायरेक्ट की है. तो इस मूवी से बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि इस मूवी की जो स्टोरी होने वाली है वो थोड़ा थोड़ा जवान से सिमिलर होने वाली है. बिकज सिमिलर स्टोरी ऐसे होने वाली है, जी हाँ, जवान में ऐसा है कि बाप बेटे की जान बचाता है, सेम इस मूवी में भी ऐसा ही कुछ स्टोरी ऐसी होने वाली है जिसमें बाप बेटे की स्टोरी है. जी हाँ, बेटे की स्टोरी. रणवीर कपूर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं एंड बाप की स्टोरी का जो रोल है वो अनिल कपूर कर रहे हैं. जी हाँ, इसमें चेंजेस बस इतनी सी होगी कि उसमें बाप बेटे की जान बचाता है बट इसमें बेटा बाप की, मतलब बाप की ऐसा है कि कुछ बाप को ही मारने का कुछ ऐसा वो बताता है. तो जो खबरें मुझे पता लगी हैं तो मैं आप सबको ये इतना बता दूँ एंड पूरी जो स्टोरी है वो मुझे अभी मुझे भी कंफर्म नहीं पता है एंड जो मुझे पता लगा है कि हाँ ये स्टोरी लाइन ये होने वाली है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर को देखने के लिए बिकॉज रणवीर कपूर की जो मूवी आ रही है और बहुत अच्छा इसमें VFX का काम किया हुआ है. तो मैं VFX, आई लव VFX, तो मैं VFX का मतलब काम देखने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये आएगी और मैं कब इस वीडियो को देखूँगा. तो फाइनली पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है, आप देख सकते हो कि हाँ 28 सितंबर को आपको इसका टीज़र मिल जाएगा फाइनली, टीज़र या ट्रेलर जो भी कह लो. एंड 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में मूवी जो है वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो चुकी होगी और हम सब देखने वाले हैं. तो ये छोटा सा अपडेट जो था ये बॉलीवुड मतलब इस एनिमल मूवी से रिलेटेड वो मैंने आप सब तक पहुंचाया है एंड ये डेट जो है रिलीज़ की डेट है ये फाइनल हो चुकी है. एंड मैं आप सबको एक छोटा सा और सरप्राइज दे दूँ यार, मैं छोटा सा सरप्राइज और मेरी साइड से ले लो. इसमें जो और फेसेस हैं, इसमें जो विलन का रोल निभाने वाले हैं, जो रोल प्ले करने वाले हैं वो है बॉबी देओल, जो मुझे पता लगा है. आप सबको पता है कि बॉबी देओल की बहुत सारी OTT पे सीरीज आ चुकी हैं, उन सीरीजों ने बहुत ज़्यादा धमाका मचाया है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतना बड़ा बड़ा फेस देखने के लिए और खास करके बॉबी देओल को विलन का रोल इस मूवी में देखते हुए. 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी सिनेमा घरों में ये मूवी एनिमल और ये 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़. 5 लैंग्वेज में इसको रिलीज किया जाएगा एंड
देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे कितना धूम मचाने वाले है ये मूवी, बिकॉज इसका जो टीजर आया था 50 सेकंड का, उसने ही धमाका मचा दिया था। 30 सेकंड में इतना खतरनाक उसमें एक्शन दिखाया हुआ है, तो भाई मूवी में क्या ही होने वाला है वो हम सब देखने वाले हैं मूवी में। एंड ये था इस मूवी से रिलेटेड अपडेट, जितना बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये, आप सब खुद भी देखें एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जाता जाता एक अपडेट आपको और बताता चलूं इस वीडियो में, बॉलीवुड से रिलेटेड एंड जवान से रिलेटेड। जी हाँ, जवान ने 500 करोड़ क्रॉस कर दिया है डोमेस्टिक में, तो मतलब लोकल में, मतलब अपने इंडिया में उसने 500 करोड़ प्लस कमा लिया है। मुझे थोड़ा सा ये खबर मिली है कि जवान 1100 करोड़ तक जाके रुकेगी वर्ल्ड वाइड, एंड बाकी देखते हैं ये आंकड़ा कितना सही है, कितना कितने हद तक ये सही है। बाकी वो तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा और जिस दिन जवान सिनेमा घरों से जब निकलेगी, उसके बाद पता लगेगा कि टोटल जो कलेक्शन है वो कितने की हुई अभी तक, तो वो उस टाइम देखेंगे। बट जो मेरे पास अपडेट आई थी छोटी सी, मैंने आपको बता दी है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें ऐसे नई नई अपडेट्स के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप सबके लिए नई नई अपडेट लेके आप सब तक आता रहूं एंड आपको इस चीज़ से बिल्कुल ताज़ा रख सकूं कि आप सबको पता रहे कि हाँ ये बॉलीवुड की रिलेटेड, बॉलीवुड से नई अपडेट आ रही है। तो नई नई अपडेट जो भी आती रहेगी मैं आप सबको इस चीज़ से अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए आप चैनल को चेकआउट करें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसको देखें और इन्जॉय करें। बाय, टेक केयर।